पलटू राम कहिए, पट्टू राम कहिए, भ्रष्टाचारी से समझौता करने वाले भट्टू कहिए, बिहार के विकास की गंगा और बढ़ता हुआ देश के साथ बढ़ता हुआ बिहार में बाधक अगर बनने की कोशिश किए तो हम ईंट से ईंट बचा। एक आतंक के राज को बढ़ावा देने वाले लोग के साथ तेजस्वी के साथ गठबंधन की आरजेडी के साथ, क्या नीतीश बाबू आप भूल गए? यानी रिजल्ट का जो दो दिन थे उसमें तेजस्वी और तेजस्वी के लोगों के उस गुंडा राज को याद कीजिए। बाधा उत्पन्न कर रही थी बिहार सरकार, तब भी स्वास्थ्य विभाग में इतना काम, एक एक बिहार के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने अपने विभाग में अच्छा काम करने का, बिहार की जनता के लिए काम करने का, विकास के लिए काम करने का प्रयास किया। अच्छी सरकार से लेकर सारी चीज की जितनी मैं चर्चा किया हूँ सब में उनको गुस्सा आता था। 2017 का भ्रष्टाचार खत्म हो गया जो अलग हुए थे, और एक वैसे भ्रष्टाचारी, एक वैसे एक आतंक के राज को बढ़ावा देने वाले लोग के साथ तेजस्वी के साथ गठबंधन की आरजेडी के साथ, क्या नीतीश बाबू आप भूल गए? जब बिहार की जनता ने 2020 में मतदान किया था एनडीए के पक्ष में, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी का कितना मेहनत हुआ था, बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया था, और दो दिन नीतीश बाबू शायद आप भूल गए। मैं आपको याद कराना चाहूंगा जो मतदान और मतदान की गणना यानी रिजल्ट का जो दो दिन थे उसमें तेजस्वी और तेजस्वी के लोगों के उस गुंडा राज को याद कीजिए। लोग कहने लगे थे आज 25,000 दे दो नहीं तो दो दिन बाद तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तुमको 25,00,000 लगेगा। क्या उस आवाज को भूल गए नीतीश जी? क्या आपने किया बिहार के जनादेश का आपने अपमान किया इस बात को? लेकिन बिहार के विकास की गंगा और बढ़ता हुआ देश के साथ बढ़ता हुआ बिहार में बाधक अगर बनने की कोशिश किए तो हम ईंट से ईंट बचा देंगे। पलटू राम कहा जाता था उनको, पलटू राम, पलटू राम कहिए, पलटू राम कहिए, भ्रष्टाचारी से समझौता करने वाले भट्टू कहिए या कुर्सी लोलूप कहिए, जनता को धोखा देने वाले धोखाबाज कहिए, जो कहिएगा सब शब्द ऐसे उनके लिए जायज ही होगा। बिहार के विकास की गंगा और बढ़ता हुआ देश के साथ बढ़ता हुआ बिहार में बाधक अगर बनने की कोशिश किए तो हम ईंट से ईंट बचा देंगे। पलटू राम कहा जाता था उनको, पलटू राम, पलटू राम कहिए, पलटू राम कहिए, भ्रष्टाचारी से समझौता करने वाले भट्टू कहिए या कुर्सी लोलूप कहिए, जनता को धोखा देने वाले धोखाबाज कहिए, जो कहिएगा सब शब्द ऐसे उनके लिए जायज ही होगा। धन्यवाद।